टाइम हो चुका है, रात के बज चुके हैं 8, मतलब शाम के, जो भी व्हाटएवर जो भी बोलेंगे इसको। और आज का दिन निकल गया सारा काम में। व्लॉग कल भी बनाना था, कल आपका भाई रहा सोया हुआ, फुल डे गायब भाई, बस फुल ऑन स्लीप 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 सोया रहा बस, सीधी सी बात ये है। एंड आज था काम, काम खत्म करके अब नहा के फ्रेश होके बैठा हूँ और बनाना है व्लॉग। लास्ट व्लॉग देखा आपने, वो जहाँ पे ख़त्म हुआ उसके ही साथ दूसरा व्लॉग जो ये वाला था ये शुरू हो गया था। मैं नहीं चाहता था बहुत लंबा हो जाए वो वाला व्लॉग, तो इसको अलग कर दिया। और इसका वैसे भी अलग ही मज़ा आना था क्योंकि ये अलग ट्रिप था, नेक्स्ट डे का ट्रिप था। तो आप पहले तो शॉर्ट देख लिए, थोड़ी अटेंशन चाहिए हमें कि आप लास्ट तक ना जाए, तो थोड़े शॉर्ट दिखाने तो आपको लाजमी है, तो आप देखिए पहले। लास्ट व्लॉग में बात हुई थी इंट्रो की, तो इंट्रो आपका करवाया जाता है, ये है रूबीन जी, ये मेरे चाचू है वैसे और आज के ट्रिप के ड्राइवर हैं। ये है दीपक भाई, ये भी अपने बड़े भाई है, ये आज के गाइड होंगे। एंड ये आपका भाई मेन हीरो इस व्लॉग का, बट ये पूरे व्लॉग में दिखेगा नहीं आपको क्योंकि ये तो शॉट लेने में बिजी था ना यार। ये लोहड़ी के दूसरे दिन का व्लॉग है, संक्रांत वाले दिन का, तो गुरुद्वारा जाना मत्था टेकना तो ज़रूरी है, अगर इस दिन मत्था टेक लिया तो भाई अच्छे काम हो सकते हैं, ऐसा बुज़ुर्गों का कहना था और बुज़ुर्गों ने कह दिया सो कह दिया और हमने मान लिया, तो इस दिन जाना ज़रूरी है। काफ़ी जनता गई थी, हम भी गए थे, तो बीच में एक लोकेशन आई थी तो वहाँ पर कुछ शॉट लिए, कुछ फ़ोटोशूट हुआ जो कि आपने बहुत सारे बंदों ने देख लिया है, वो आप क्लिप देखिए, इसको एंजॉय करिए। उसके बाद आपका भाई तो यही बैठा है ना यार, 8 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है तो यही बैठा है, आप चिल करिए बस, आप एंजॉय करिए इस ब्लॉग को।
सो गाइज, आज है संक्रांत और अभी हम जा रहे हैं हरिपुर गुरुद्वारा। अपने साथ है अपने चाचू है मेरे रुबीन जी, एंड अपना भाई है दीप्पी भाई, एंड एक फिर से है साथ में, कहाँ गया देखो, एक मेंबर और है बट ये हमारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि रिस्क हो जाता है, हम रिस्क नहीं करते, इश्क करते हैं। कोई होर ना सुन ले वे गल तेरी मेरी वे, दस ते तो कियो लावे, दस ते तो कियो लावे, तो कांदा परदा पता है बिन तेरे साडा पल नहीं हो सरदारे, तेनू पता है बिन तेरे साडा पल नहीं हो सरदारे, तेरे बिन जिंद कली, तेरे बिन जिंद कली मिट्टी दी तेरी। अब बात करूं इस गुरुद्वारे की, तो यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आपके मार्टिन की, आपके भाई की। इस जगह पर स्कूल टाइम से अपना जाना रहा है और अपने साथ दोस्त जाते थे, तो दोस्तों को मिस करना तो उस दिन ऐसा है कि यार आई जाती है दोस्तों की याद, बहुत चीज़ें याद आती है, बहुत सारी मेमोरी दोबारा से रिवाइंड होती है, आँखों के सामने सब कुछ आता है कि यार ऐसे ऐसे हम आते थे स्कूल टाइम से, और बीच में बहुत लंबा गैप पड़ चुका था और हम सोचते थे और काफ़ी टाइम सोचा कि यार बहुत टाइम हो गया हरिपुर नहीं गए, हरिपुर नहीं गए, हरिपुर नहीं गए। तो एकदम से प्लान बना दीप्पी भाई की वजह से और हम गए हरिपुर। अब की बार सब नए थे, जिनके मतलब नए तो ऐसे नहीं, जानते तो हम सबको है, बट लोग जो ट्रिप था ना, ये वाला ट्रिप हरिपुर वाला, ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जिसमें हम तीनों पहली बार एक दूसरे के साथ गए, तो बहुत अच्छा ट्रिप था। बाकी बहुत कुछ याद आया, पहले जैसी नाइट में जाते थे, सेवा करते थे, एंड हरिपुर के पास एक स्कूल है, वहाँ पे जाके चिल करते थे, बैठते थे, और कई बार तो रात, एक दो बार तो वहाँ पे रात भी गुजारी है गुरुद्वारे में, सोने के बजाय वहीं पे बैठ के दोस्तों के साथ फन मारते थे, चिल मारते थे। तो मतलब बेस्ट मेमोरी थी वहाँ की, जो कि याद थी और रिमाइंड हुई दोबारा से। और अगर आप नहीं गए इस जगह पर तो ज़रूर जाना, अच्छी जगह है और पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा मिलती है वहाँ से, तो ज़रूर 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 जाइएगा आप भी। बाकी ये छोटा सा व्लॉग था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, मुझे तो यहाँ से पसंद है ये जगह दिल से, कुछ भी बहुत कम जगह मुझे पसंद है और हद से ज़्यादा पसंद है, उसमें से ये है तो ये भी है, क्योंकि यहाँ पे अपना स्कूल टाइम से बहुत सारा बंक मार के भी हम यहाँ पे गए हैं, तो आप समझ जाओ कि ये जगह कितनी ज़्यादा यहाँ दिल के करीब होगी। तो जैसा भी शूट हुआ, जितना भी हुआ, मैंने कोशिश की कि आपके सामने मैं वो रख सकूं। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड आप सभी को पता ही है कि अब ब्लॉग आएंगे तो धूम मचा के जाएंगे, समझ रहे हो। तो अभी के लिए बाय बाय, लव यू और बूम, जय शंकर की एंड जय बाप बेटी, बाय बाय। सो अभी हम यहाँ से हरिपुर से फ्री हुए एंड अब जा रहे हैं वापस घर की ओर। आज का दिन बहुत अच्छा था, आज के दिन हम आए यहाँ पे, तो बस निकलना है यहाँ से। बाकी हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा कि सब बढ़िया। कुछ ज़रूरी बात करनी रह गई थी, उसकी वजह से आपका भाई वापस आया है, और बात इतनी सी है कि अगर व्लॉग अच्छे लग रहे हो और इम्प्रूवमेंट दिख रही हो कुछ व्लॉग में तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आपका भाई टाइम ऐसे क्यों बताता है कि 8 बज रहे और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं फ़ोन में कभी नहीं दिखाता, क्योंकि वजह यह है कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन के हाल है बहुत ज़्यादा खस्ता, समझ रहे हो। और अगर अच्छे लग रहे हो व्लॉग तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं बस कह सकता हूँ। बाकी आपको एक क्लिक करना है, वो आप जब मर्जी करिए, कोई प्रेशर नहीं है।
बट मैं कभी कभी बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ, उसके बाद काफ़ी ब्लॉग आएंगे उसमें नहीं बोलूँगा, थोड़ी आदत ऐसी है। बाकी अगर अच्छे लग रहे हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मेरे लास्ट ब्लॉग में व्यूज़ अच्छे नहीं आए, बट हाँ सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे जुड़ चुके हैं साथ। तो जो भी अपनी MRV फैमिली में न्यू मेम्बर जुड़े हैं, उनको दिल से वेलकम है हमारी फैमिली में। और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग भी कमिंग सून है, जो भी आएगा फाड़ होगा फाड़, गेम्स कुछ नए होंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बूम जय शंकर की।